अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी किंजा। तो कैसे हैं आप सब? मैं वापस आ चुकी हूँ एक और फूड रिव्यू की वीडियो के साथ, और फूड रिव्यू है फाइन डाइन का, जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बिल्कुल ऑपोजिट फैजान मदीना के सूसा रोड पे। तो जी अब बात कर लेते हैं कि जिसकी सिटिंग कैसी है। सिटिंग इज़ टू आई कैची, बहुत ही खूबसूरत इनकी सिटिंग है, और रात के टाइम तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप यहाँ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, फुल फैमिली इन्वायरमेंट है, और पिक्चर्स वगैरह लें, इन्जॉय। लेकिन साथ साथ में आपको ऑनेस्ट रिव्यू है तो ये भी बताती जाऊँ कि दिन के टाइम यहाँ पे थोड़ा सा मक्खियों वाला इशू है, जो यकीनन सबको ही बहुत बुरा लगता है। मगरिब के बाद या असर के बाद अगर आप यहाँ विज़िट करें तो माहौल बहुत ही आउट क्लास है। अच्छा, बात करते हैं खाने की। खाने में इनके पास वैरायटी थी, देसी भी था, चाइनीज़ भी था, चाय में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। देसी में हमने ऑर्डर किया चिकन कढ़ाही, साथ में रोटियां और तंदूरी पराठा। चिकन कढ़ाही का जो टेस्ट है उसको तो मैं 10 out of 10 रेट करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी, मज़ेदार, मतलब ईच एंड एवरी थिंग वॉज टू परफेक्ट। और तंदूरी पराठे के साथ तो ये कढ़ाई और भी मज़ेदार लग रही थी। साथ में आपको बताती चलूँ कि ये सैलेड बहुत ज़्यादा फ्रेश था। 70 rupees की एक प्लेट है जिसमें आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स मिल जाएंगी। रायते की बात करें तो इट वाज एवरेज, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं था। इससे अच्छा रायता वो बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द चाइनीज़ फूड। यहाँ पे हमने ऑर्डर किए एग फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन और साथ में चिकन चाउमिन, जिसमें उन्होंने सैलेड ऐड किया हुआ था और सी फूड ऐड किया हुआ था। एग फ्राइड राइस और मंचूरियन बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। जो चाउमिन हैं वो मुझे सी फूड की वजह से इतना ज़्यादा, मतलब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको सी फूड पसंद है आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। टेस्ट अच्छा था, सर्विंग अच्छी थी, सर्विस अच्छी थी, दोनों चीज़ें इनकी बहुत ही आउट क्लास थी। ये था टोटल बिल, इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ की प्राइस कितनी थी। यहाँ पे होता है वीडियो का एंड, तो उम्मीद करती हूँ आपको इस रेस्टोरेंट का फूड रिव्यू पसंद आया होगा। फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें, अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।